हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे लास्ट सेशन में हमने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर अपनी चर्चा को फिनिश अप करा था और मैंने कहा था कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम दो फॉर्मिडेबल टॉपिक लेंगे और जैसा कि इस चैप्टर की शुरुआत में भी मैंने कहा था कि ये दोनों फॉर्मिडेबल टॉपिक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और उसके अलावा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की चर्चा पहले करेंगे, ये तीसरी कैटेगरी है अमोर्टाइज कॉस्ट। फटाफट अपने पेन रजिस्टर पेंसिल वगैरह निकाल लें और मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दें। हमने देखा था कि जब हमारी इंटेंशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग के लिए होती है तो हम उसको FVTPL की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अगर हमारा बिजनेस मॉडल है या हमारी इंटेंशन है कि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना है और उसके बाद हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम उसको FVTOCI की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर मेरी इंटेंशन इस तरीके की है कि मैं सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हासिल करना चाहता हूं, इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक अपने पास रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक अपने पास रखूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी मुझे मिल जाएगा। तो अगर बिजनेस मॉडल आपका इस तरीके का है तो फिर हम उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखते हैं। तो फटाफट आप मेरे साथ लिखना शुरू कर दें, वेयर वेयर बिजनेस मॉडल BM बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड, वेयर बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड द एसेट, होल्ड द एसेट, होल्ड द एसेट टिल मैच्योरिटी, टिल मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी तक आप अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस केस में फिर हम इसको amortized cost की कैटेगरी में रखेंगे। इज इट क्लियर? और मैंने ये भी बताया अभी अभी कि अगर मेरी इंटेंशन या मेरा बिजनेस मॉडल ये है कि मैं उसको मैच्योरिटी की डेट तक अपने पास रखना चाहता हूं, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब मेरी इंटेंशन क्या है, हियर द इंटेंशन इज टू कलेक्ट, Here the intention is to collect contractual cash flows. यहां आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का क्या मतलब हो गया कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा और मैच्योरिटी के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट एंटिटी आपको रीपे करेगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है। Contractual cash flows. Is it clear to you? तो यहां आपकी intention सिर्फ ये है कि आप CCF collect करना चाहते हैं। उसके बाद अब जहां तक accounting का सवाल है, इस particular system में या इस particular category में हम ये देखेंगे कि initially हम financial assets को या financial liability को भी, अगर मेरे मुझसे financial asset भी निकल रहा है तो automatically आप financial liability add कर लेना। समझाने के लिए हम लोग asset बोल देते हैं। तो इनिशियली जो भी एसेट होगा उसको हम बुक करेंगे कैसे, पहले तो यहां देखें। नेक्स्ट पार्ट में आप लिखें इनिशियली, जहां तक इनिशियल रिकॉर्डिंग का सवाल है, इनिशियली कॉमा फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी। अब कहने के लिए तो हम फाइनेंशियल एसेट ही लिख देते हैं, फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी शेल बी रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। ये तो हमने देखा तीनों कैटेगरी में इनिशियली हम फेयर वैल्यू पर रिकग्नाइज करते हैं, शेल बी रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। अब पॉइंट ये है कि फेयर वैल्यू इसमें कैसे कंप्यूट करेंगे। फेयर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि मैंने कोई लोन वगैरह दिया हुआ है और उसमें मुझे कुछ, या मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करी हुई है तो उसमें मुझे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस मिलेंगे या कुछ कैश फ्लोस मिलेंगे, तो फ्यूचर में मुझे जितने भी कैश फ्लोस मिलेंगे उनको मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा, यानी कि मैं प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूंगा। तो इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। FCF का मतलब है फ्यूचर कैश फ्लोस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस मुझे करना पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस कंप्यूट करने के लिए मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस बाय डिस्काउंटिंग। हमें उसको डिस्काउंट करना पड़ता है बाय डिस्काउंटिंग इट
बाय डिस्काउंटिंग एज पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा MRI, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कर करके जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही फेयर वैल्यू मानी जाएगी और इनिशियली मैं फाइनेंशियल एसेट को उस पर रिकॉग्नाइज करूंगा। उसके अलावा इस मेथड में तुम्हें हो सकता है कि क्वेश्चन ये भी बोले कैलकुलेट द फाइनेंस चार्जेस। तो कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस कैसे करे जाते हैं इस सिस्टम के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस कंप्यूट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। एक कॉलम में तो आप पहले लिखे ओपनिंग बैलेंस। अब जिस वैल्यू पे आपने एसेट या लायबिलिटी इनिशियली बुक करी है उसको तो पहले आप यहां पर लिखे ओपनिंग बैलेंस। चलो हम मान लेते हैं कि हम फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं वो फाइनेंशियल एसेट की जगह फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी पहले तो आप उसको लिखेंगे और उसके अलावा फिर आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट आपने कंप्यूट करना है एट द रेट ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको आप इस पे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ईयर की बिगनिंग में लेट अस से मैंने इतना अमाउंट लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज करा हुआ है, उस पे मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा। मान लेते हैं कि ये फाइनेंशियल एसेट है, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे इंटरेस्ट जो हो जाएगा, इसका मतलब मेरे लोन का अमाउंट अब कितना हो गया, इतना तो बिगनिंग में था, इतना इंटरेस्ट मुझे और मिलेगा। तो ये दोनों का टोटल क्या शो कर रहा है कि अब मेरे लोन का अमाउंट टोटल इतना हो चुका है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे एक्चुअल। अगर फाइनेंशियल एसेट है तो एक्चुअल रिसीट्स होंगी और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो एक्चुअल पेमेंट्स होंगी। तो जो भी मुझे एक्चुअल रिसीट्स हुई है, सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने लोन दिया हुआ है, यानी कि मेरे लिए एक तरीके से फाइनेंशियल एसेट है, तो ईयर की बिगनिंग में मैंने लोन को इस वैल्यू पे बुक करा और ईयर के एंड में जैसा कि आपने देखा ईयर के एंड में मुझे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो मेरे टोटल लोन का अमाउंट कितना हो जाएगा। जो कॉलम नंबर वन में मैंने फिगर लिखी है उसमें मैं इस फिगर को ऐड कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि अब टोटल अमाउंट लोन का इतना है और जितनी मुझे पेमेंट होगी, क्योंकि मेरे को कुछ रिसीव करना पड़ेगा अगर मेरे लिए ये फाइनेंशियल एसेट है, तो जो भी मुझे पेमेंट इस साल मिलेगी, यानी कि जो भी चीज सॉरी मैं रिसीव करूंगा, तो उसको मैं इस टोटल में से माइनस कर दूंगा। कॉलम वन प्लस कॉलम टू का जो टोटल होगा उसमें से माइनस कर दूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आता है इस फिगर पर, हम इस आइटम को फाइनेंशियल एसेट को या फाइनेंशियल लायबिलिटी को ईयर एंड में रिकॉर्ड करते हैं, इसी को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। बहुत से बच्चों को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब नहीं पता लगता है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का सिंपल मतलब क्या निकला, द बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट वी कॉल इंस्टॉलमेंट्स। जो भी मुझे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हो गई है या मैंने जो पे करी है और जो भी साल का इंटरेस्ट ड्यू वगैरह हो गया है, उनकी एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस आता है उसको हम बेसिकली अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट के बारे में। आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था अगर FVTPL का केस होगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, जबकि FVTOCI का केस होगा तो मैंने बताया था फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी में एड या माइनस करते हैं। इसी तरह से अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट शेल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन इनिशियल फेयर वैल्यू। जो भी इनिशियल फेयर वैल्यू पर हमने रिकॉग्नाइज करा है, अगर ये फाइनेंशियल एसेट है तो ऐड होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो हम माइनस करेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को। आपको ये चीज इसमें मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। अच्छा जी, अब ये चीज देखने के बाद अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या करा, फटाफट आप देखें यहां पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7.31 ये तो आप खुद करेंगे और 7.32 से मैंने स्टार्ट करा। सेक्शन 7.3 से रिलेटेड ये टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए केस स्टडी 7.32 मैंने लिखी है। ये क्वेश्चन जो है
अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, कहता है कि मॉर्निंग लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने लोन अपने एम्प्लॉय को दिया है। ध्यान से देखें, आप अपने आप को प्रज्यूम करें कि यू आर द मॉर्निंग लिमिटेड और आपने लोन जो है दिया है किसको दिया है, एम्प्लॉयज को दिया है। ऐसे क्वेश्चंस में खासतौर से एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के क्वेश्चंस में हम देखेंगे लोन्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एम्प्लॉयज को लोन दिया है एट 4% पर दिया है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जो लोन का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का आपने लोन दिया हुआ है, करेक्ट। लोन आपने कब दिया है, इन द बिगनिंग ऑफ 2015 एंड 16 में दिया है। इन द बिगनिंग ऑफ 2015 एंड 16 का मतलब हो गया आपने 1/4/2015 को लोन दिया हुआ है। अब वो कह रहा है द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। अब जब हमने लोन ये दिया अपने एम्प्लॉयज को, तो हमने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि अब 5 साल के पीरियड में हमें ये लोन दे देना। कभी भी अगर इस तरह की लाइन लिखी हो द प्रिंसिपल अमाउंट इज टू बी रीपेड ओवर सो एंड सो पीरियड, तो आप मन के अंदर ये इंप्लाई कर लेना कि जो लोन का अमाउंट है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेट मीन 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, ईच ईयर इंप्लॉयज आर सपोज टू पे अस 2 लाख। हालांकि क्लियरली लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये इंप्लाई करना पड़ेगा जब भी इस तरीके से लिखा होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट इज टू बी रिपेड ओवर 5 years पीरियड या ओवर सो एंड सो पीरियड। आगे कहते हैं कि वेयर एज एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन 2 equal इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पहले तो इस पॉइंट को आपको समझना इसमें जरूरी है। पहले इस पॉइंट को समझना जरूरी क्यों है, देखे यहां पर वो क्या कह रहे हैं, पहले तो इस पॉइंट को समझें। मैंने कहा कि 1/4/2015 को लोन का अमाउंट दिया गया है, 1/4/2015, इस दिन तो आपने लोन ग्रांट कराया, तो पहला साल आपका कब खत्म होगा, 31/3/2016 को फर्स्ट ईयर खत्म होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेकेंड ईयर कब खत्म होगा, 31/3/2017 को खत्म होगा। थर्ड ईयर कब खत्म होगा, 31/3/2018 को आपका थर्ड ईयर खत्म होगा। फोर्थ ईयर विल एंड ऑन 31/3/2019 और फिफ्थ ईयर खत्म होगा 31/3/2020 को। अब ध्यान ये रखना है, जैसा मैंने कहा कि जो लोन का अमाउंट है, जो लोन का अमाउंट है फर्स्ट ईयर में आपको कितना पैसा मिलेगा, सर फर्स्ट ईयर में हमें 2 लाख रुपीस मिलेंगे, राइट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना पैसा मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपको 2 लाख रुपीस मिल जाएंगे, सेकंड ईयर में भी आपको 2 लाख मिलेंगे, थर्ड ईयर, क्योंकि लोन जो है वो रीपे करा जाएगा इन 5 equal installment, इन 5 equal installment ये लोन की रीपेमेंट होगी, तो हर साल आपको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, इस चीज को भी ध्यान से सुने। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, यानी कि इन 5 साल का जो टोटल इंटरेस्ट होगा, इन 5 years में जितना भी टोटल इंटरेस्ट होगा, देखो इंटरेस्ट तो हर साल ड्यू होगा, इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है, इंटरेस्ट तो हर साल ड्यू होगा, लेकिन वो कह रहे हैं जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो वेयर एज एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन 2 equal installment आफ्टर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट जब पूरा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद 2 installment में जो टोटल एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, यानी कि इन 5 साल में जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा उसका एक हिस्सा आपको कब मिलेगा, 6th year के एंड में, यानी कि 31/3/2021 को मिलेगा, और इसी तरह से 7th year में आपको दूसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा मिलेगा। जो इंटरेस्ट का हिस्सा होगा, जो इंटरेस्ट का हिस्सा होगा वो 2 installment में मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के खत्म होने के बाद मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अब आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि इन 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना जो है एक्यूमुलेट हुआ। तो टोटल इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हुआ वो आप कैसे देखेंगे, देखें जैसे मुझे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, जस्ट मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है। मैंने आपको 1/4/2015 को लोन दिया हुआ है और लोन मैंने आपको 10 लाख का दिया हुआ है, इस बात को भूलना नहीं है। अब जब ईयर का एंड होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का एंड का मतलब 31/3/2016, तो इंटरेस्ट तो आप इस अमाउंट पे कंप्यूट करेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट कंप्यूट होगा वो 4% ऑफ 10 लाख होगा, जो 10 लाख है उसका 4% आप कंप्यूट करेंगे, जो भी इंटरेस्ट आपका बन जाएगा मान लेते हैं कि वो 40,000 का बन गया, 40,000। अब ईयर के एंड में आपने इंटरेस्ट तो कंप्यूट कर लिया,
पर आपने ये भी देखा कि फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख की इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो जाएगी, यानी कि 2 लाख रुपए जो है इंप्लॉइज पहली इंस्टॉलमेंट हमें पे कर देंगे। इसका मतलब फर्स्ट ईयर की बिगनिंग के बाद जब मैं सेकंड ईयर की बिगनिंग में पहुंचूंगा तो मैं कह सकता हूं बिगनिंग में लोन का अमाउंट कितना है, 8 लाख का है। इसका मतलब जब मैं सेकंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा 31/3/2016 को, तो मैं 8 लाख का 4% लूंगा। इज इट क्लियर टू यू? 8 लाख का 4% में कंप्यूट करूंगा तो 4% ऑफ 8 लाख जो भी आ जाएगा 32,000 आप लिख देंगे। जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट किस तरीके से कंप्यूट करना है। ऐसे ही जब सेकंड ईयर खत्म होगा तो 2 लाख की पेमेंट फिर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड ईयर की बिगनिंग में, यानी कि 1/4/2017 को थर्ड ईयर की बिगनिंग में लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 6 लाख है। अब मैं थर्ड ईयर के एंड में जब कंप्यूट करूंगा 31/3/2017 को तो किस पे इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा, 6 लाख पे कंप्यूट करूंगा, 6 लाख का 4% कंप्यूट करूंगा, जो भी आ जाएगा 6 लाख का 4% कितना आ जाएगा भाई, 6 लाख का 4% 24,000 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप 5 साल का इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेंगे और 5 साल का इंटरेस्ट आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने देखा कि इन 5 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। पहले तो इस इंटरेस्ट को टोटल कर लेंगे आप, ये टोटल जब मैं करूंगा तो टोटल विल बी समथिंग नियर अबाउट 1,20,000, यानी कि इन 5 साल का जो टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ वो आपको 2 किस्तों में मिलेगा, यानी कि 1,20,000 का हाफ 60,000 और 60,000। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके जो इनफ्लोज है वो किस तरीके से आपके पास आएंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? वैसे मुझे फर्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं है, जो मैंने फर्स्ट स्टेप करा, बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा था कि इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो बेसिकली 2 इंस्टॉलमेंट पे मिलेगी, तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि टोटल 5 साल का इंटरेस्ट कितना है। तो ये मैं वैसे भी फाइंड कर सकता था, इसके लिए अलग से कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। अब मेन टेबल, अब मेन काम आपको क्या करना है, और क्वेश्चन की एक्चुअली जब ये क्वेश्चन आया था इसकी बेसिकली डिमांड ये थी कि आप इनिशियल रिकॉर्डिंग करके दिखाएं। इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था। अभी अभी मैंने बताया कि इनिशियल रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जस्ट हैव ए लुक ओवर हियर। मैंने अभी अभी तुम्हें लिखाया कि जिस दिन मैंने लोन दिया इनिशियली उस दिन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने लोन दिया है तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है नंबर वन, और मैंने कहा कि इसको हम जो रिकॉग्नाइज करेंगे वो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर मैंने ये भी बताया कि फेयर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो लोन आपने दिया है, अब इससे जो भी आपको इनफ्लोस मिलेंगे फ्यूचर कैश फ्लोस, यानी कि यहां पर बिकॉज आपने लोन दिया है तो ये इनफ्लोस माने जाएंगे, तो जो भी आपके लिए इनफ्लोस होंगे फ्यूचर में उनको आपने डिस्काउंट करना है। लेकिन जब डिस्काउंट करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, और क्वेश्चन में उसने हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट में दिया हुआ है, एज्यूम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इज 8%, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मार्केट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि मार्केट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, मैंने 4% के हिसाब से जो है ये लोन दिया था। तो अब बस आपने इतना करना है 31/3, ये जैसे मैंने ये ईयर बनाए थे इसी तरह से 31/3/2016 फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का एंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। तो सेवन्थ ईयर तक पहले तो आपने स्ट्रेच आउट कर लिए ईयर को, फिर आपने कैश इनफ्लोस देखा, आपने नोट कर लिया कि फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में 2 लाख, थर्ड ईयर में 2 लाख एंड सो ऑन, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में भी 2-2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया जितना भी आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया उसका कुछ हिस्सा, यानी कि एक पार्ट आपको सिक्स ईयर में और बचा हुआ पार्ट आपको सेवन्थ ईयर में मिलेगा। अब आप डिस्काउंट फैक्टर लेंगे मार्केट रेट के हिसाब से, बस ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए प्रेजेंट वैल्यू जब भी हम कंप्यूट करेंगे तो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें आपको करनी आती है, तो डिस्काउंट फैक्टर्स आप देखेंगे, ये मोस्टली क्वेश्चन में वैसे आपको जब क्वेश्चन आता है तो वो गिवन होते हैं, वैसे आप कंप्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, डिस्काउंट फैक्टर को इनफ्लो से मल्टीप्लाइड करने के बाद आपको ये पता लग गया कि 8,71,361 ये फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू का क्या मतलब है, देखो मैंने लोन तो 10 लाख रुपए का दिया है, नो डाउट अबाउट दैट, मैंने लोन 10 लाख रुपए का दिया है, आज के दिन मेरा कैश तो 10 लाख रुपए का बाहर जा रहा है। उसके बावजूद भी मैं जो फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड कर रहा हूं
मैं ये सोच के रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि मुझे 10 लाख मिलेंगे, क्योंकि रियल टर्म्स में मुझे 8,71,361 ही मिलेंगे। तो मेरा जो फाइनेंशियल एसेट है ये लोन के रूप में, तो उसको मैं बुक करूंगा इस वैल्यू पे। दिस प्रेजेंट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज द फेयर वैल्यू। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब आपने 8,71,361 का अमाउंट बुक करा है, लेकिन एट द सेम टाइम कैश आपका 10 लाख रुपए का बाहर गया। अब जो डिफरेंस आएगा, जनरली तुम्हारे लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में यही लिखा रहता है कि जो तुमने लोन वगैरह दिया है वो या तो अपने एम्प्लॉयज को दिया है या उनके स्टाफ वेलफेयर के लिए दिया है वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज से ही रिलेटेड होगा। तो अगर लोन आपने अपने एम्प्लॉयज को दिया है तो जाहिर है कि ये लॉस तो है, लेकिन इस लॉस को क्या मानेंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मानेंगे। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। बिकॉज जब ये क्वेश्चन ओरिजिनली आया था उसने सिर्फ इनिशियल रिकॉर्डिंग तक पूछा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां तक किया। लेकिन अब हम ईयर के एंड की भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिकअप करा 7.3.3 यानी कि थर्ड क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं G99 लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कॉन्ट्रेक्टेड टू लेंड टू इट्स एम्प्लॉइज ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5%। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो G99 लिमिटेड नाम की कंपनी है उससे अपने स्टाफ से कॉन्ट्रैक्ट करा उनके वेलफेयर के पर्पस के लिए कि हम अपने एम्प्लॉयज को लोन देंगे अब की बार 5% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, 5% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द लोन। इज इट क्लियर टू यू? आगे उसने लिखा द अमाउंट लेंट इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब उसने कहा जो अमाउंट हमने लेट आउट लेंट करा है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा, यानी कि जो लोन का अमाउंट है, कितना अमाउंट है लोन का फिलहाल तो अभी तक दिया नहीं है, लेकिन उसने ये बताया वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। और ऑफकोर्स लोन मैंने 5% के हिसाब से दिया है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी वो हमें देंगे, यानी कि जब फर्स्ट ईयर का एंड होगा तो वो हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी देंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट भी देंगे। इज टू बी रिपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब आगे उसने मेन चीज लिखी है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। वैसे जस्ट आपके नॉलेज से के लिए मैं बता दूं, जैसे मार्केट रेट तो 10% का चल रहा है लेकिन लोन हमने 5% पे दिया है, यानी कि जब हम मार्केट से हट करके लोन की लेन देन करते हैं तो टेक्निकली हम बोलते हैं ये ऑफ मार्केट टर्म है। ऑफ मार्केट टर्म क्या बोलते हैं इसको? ऑफ मार्केट टर्म, OFF। इसको हम टेक्निकली फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलेंगे कि लोन हैज बीन गिवन ऑफ मार्केट टर्म, दैट मीन वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द मार्केट टर्म। आगे कह रहे हैं लोन अमाउंट जो है वो 16 लाख का है, और लोन हमने कब लेट आउट करा है? लोन हमने 1/1/2015 को लेंड करा है। इज इट क्लियर टू यू? अब शुरू में भी मैंने बोला था कि जो लोन है वो 16 लाख का है और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इस ये रीपे होगा। 16 लाख को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो डेट विल बी इक्वल टू 3,20,000। तो 3,20,000 लोन का अमाउंट होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो 3,20,000 जो है हर साल एम्प्लॉयज जो है एंटिटी को पे करेंगे। आगे उसने लिखा फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंड एस 109 यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st of 3, 2015। तो उसने ईयर एंड की भी अब के बाद एंट्री पूछी है, और उसने ये भी कहा है कि शो द वैल्यू ऑफ द लोन टू बी रिकग्नाइज्ड इनिशियली एंड ऑल्सो द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर। और हालांकि एंट्री तो उसने फर्स्ट ईयर के एंड की पूछी है और ऑफकोर्स इनिशियल डेट की भी, एट द सेम टाइम उसने ये भी कहा है कि सब्सिक्वेंटली यानी कि 5 सालों में हम लोन को किस तरीके से अमोर्टाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब देखिए जी आप इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो इनिशियल रिकग्नाइजेशन करेक्ट, जो टेबल मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था फर्स्ट टेबल, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं थी, इवन पिछले क्वेश्चन में भी बनाने की जरूरत नहीं थी। ये वाला, ये तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए कि हर साल का कितना इंटरेस्ट और 5 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये देखने के लिए हमने बनाया था। अब यहां पर मैंने क्या करा, इनिशियल रिकग्नाइजेशन। अब आपको ये तो मालूम है कि इनिशियल रिकग्नाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है। 5 साल का पीरियड है, 1/4 2000
हमने कौन सी तारीख को लोन दिया है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली इस क्वेश्चन में पहले तो ध्यान रखना कि ये कैलेंडर ईयर है, ये भी मैंने अभी ध्यान दिया, 31/12/2015 को जो है वो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है, जबकि आपने 1/1/2015 को लोन दिया है, तो फर्स्ट ईयर आपका 2015 का एंड, दिसंबर 2015 एंड सो ऑन, तो 5 साल का टेन्योर है। अब मैंने कहा 16 लाख को मैं डिवाइड करूंगा, जैसा कि अभी मैंने करके बताया, तो 3,20,000 एक इंस्टॉलमेंट हमारी आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट की, जहां तक रीपेमेंट का सवाल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं वो 3,20,000, 3,20,000, तो 5 साल में मुझे 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000 मिलेंगे, बट अगेंस्ट प्रिंसिपल मिलेंगे। एट द सेम टाइम मैंने जब एम्प्लॉयज को ये लोन दिया तो मैंने अपने एम्प्लॉयज को ये कहा, क्या कहा मैंने एम्प्लॉयज को, मैंने जब अपने एम्प्लॉयज को 16 लाख का लोन दिया और मैंने ये लोन कौन सी डेट को दिया, 1/1/2015 को दिया है, इज इट क्लियर टू यू। अब ईयर के एंड में मुझे देखना है कि एम्प्लॉय मुझे कितना इंटरेस्ट देंगे 31/12/2015 को, यानी कि इस तारीख को जब मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा तो जाहिर है कि 16 लाख पे मैं कंप्यूट करूंगा, तो 16 लाख का जो भी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है, तो 16 लाख का 5% जब मैं कंप्यूट करूंगा तो डेट इज इक्वल टू 80,000। तो इसलिए आपका फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने यहां पर इंटरेस्ट जो है वो 80,000 लिखा है, इज इट क्लियर टू यू और नॉट, समझ में आ गया। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको टोटल अमाउंट अब की बार कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल का पैसा भी आपको मिलेगा और इंटरेस्ट का पैसा भी आपको मिलेगा, तो आपने देखा कि जो टोटल अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो 4 लाख रुपीज रिसीव करेंगे, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। बट एट द सेम टाइम आई शुड बी वेरी क्लियर टू यू, अब जैसे कि मैं 1/1/2016 को आऊंगा, 1/1/2016 को मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लोन का अमाउंट कितना है। देखो बेटे, 16 लाख का मैंने लोन दिया था, 16 लाख में से मैं पहले तो 3,20,000 माइनस करूंगा ना, 16 लाख में से मैं 3,20,000 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 लाख माइनस 3,20,000 That is equal to 12 lakh. इसका मतलब 12,80,000. अब ये नहीं कि आप 16 lakh में से 4 lakh माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है और प्रिंसिपल के अगेंस्ट आपको पेमेंट हुई है 3,20,000 की, तो हमने तो प्रिंसिपल अमाउंट का भी बैलेंस देखना है ना इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के लिए, तो 12,80,000। यानी कि जब मैं ईयर के एंड में पहुंचूंगा 31/12/2016 को जब मैं आऊंगा तो इंटरेस्ट जो कंप्यूट होगा वो 12,80,000 का 5% हम कंप्यूट करेंगे, तो 12,80,000 का 5% में कंप्यूट करूंगा तो 64,000, इसलिए इंटरेस्ट 64,000 लिखा हुआ है, इज इट क्लियर टू यू। वैसे अब इतनी जरूरत नहीं है आगे बताने की, लेकिन एक बार जस्ट और बताने के लिए, अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो 12,80,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 3,20,000, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो पे होगा सेकेंड ईयर के एंड में, देखो सेकेंड ईयर के एंड में वो हमें प्रिंसिपल भी पे करेगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा, लेकिन मुझे ये देखना है जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन, उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट हो रही है। फर्स्ट ईयर के एंड में लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अगेंस्ट 3,20,000 हो रही है, इसी तरह सेकेंड ईयर में भी 3,20,000 होगी, तो 16 लाख में से 320 में दो बार माइनस कर दूं, या 12,80,000 में से 3,20,000 माइनस कर दूं, तो बैलेंस बच गया 9,60,000। इसका मतलब थर्ड ईयर में जब आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे 31/12/2017 को, तो इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन जो होगी 9,60,000 का आप 5% कंप्यूट करेंगे, जिसका 5% मैंने कंप्यूट करा तो 48,000 आ गए, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप 5 ईयर्स के इंटरेस्ट की पेमेंट भी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। अच्छा जी, इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे पहली कोशिश ये होगी कि मुझे इनफ्लोस कितने आएंगे। अब इनफ्लोस एक तो कुछ तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट आ रहे हैं और कुछ इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ रहे हैं, इजंट इट, तो टोटल इनफ्लो मुझे कितना मिल रहा है, 4,00,000, 3,84,000, 3,68,000, 3,52,000, 3,36,000। अब जो लोन मैंने दिया है उसको मुझे इनिशियली फेयर वैल्यू पे बुक करना है, फेयर वैल्यू पे बुक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्काउंट फैक्टर्स 10% के हिसाब से लेंगे, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि मार्केट में जो रेट चल रहा था वो 10% का चल रहा है, इज इट क्लियर टू यू। तो डिस्काउंट फैक्टर से आप अपने इनफ्लोस को मल्टीप्लाइड करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लोन आपने 16 लाख का दिया,
लेकिन आप उसको फाइनेंशियल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज किस वैल्यू पर करेंगे? एंट्री आपकी होगी इनिशियल डेट को, यानी कि 1/1/2015 को। लोन अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में फाइनेंशियल एसेट 14,06,272, इस वैल्यू पे आपने बुक करा। लेकिन इस दिन आपका पैसा तो बाहर जा रहा है 16 लाख, तो आपने 16 लाख पे तो बुक नहीं करा, तो जो डिफरेंस आएगा उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिख सकते हैं, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का ही पार्ट है। इज इट क्लियर टू यू? अब पिछले क्वेश्चन में तो उसने इनिशियल रिकॉर्डिंग तक पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे यह भी पूछा गया है कि सब्सिक्वेंटली हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे अमोर्टाइज कॉस्ट पर। तो कैसे दिखाएंगे, शुरुआत में मैंने आपको बताया था इसको हम अमोर्टाइजेशन टेबल भी कह सकते हैं या कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ लोन, ये हेडिंग डाल करके भी ये टेबल बनाया जा सकता है। अब बस यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, यहां मैंने लिखा है ईयर 2015। पहले तो आप मन में ये सोचें कि ईयर 2015 की बिगनिंग की डेट को आपने इस एसेट को इस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करा है, यानी कि जो आपने लोन दिया हुआ है उसको इस वैल्यू पे आपने बुक करा हुआ है। अब जब मैं ईयर के एंड में जाऊंगा तो यहां पर यह ध्यान रखना है, जब आप इंटरेस्ट इनकम कंप्यूट करोगे तो एंड ईयर ये कहता है कि रियल टर्म्स में जो इंटरेस्ट चल रहा है आप इंटरेस्ट को उसी के हिसाब से बुक करेंगे। तो इसलिए यहां पर जब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को लूंगा, यह ध्यान में रखना है। तो 1 लाख, यानी कि मैंने ईयर की बिगनिंग में 14,06,272 लोन जो है बुक करा हुआ है, ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है, और ईयर के एंड में इसका मैंने 10% कंप्यूट करा तो 1,40,627 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक इतना अमाउंट मुझे मिलना है, इन दोनों का मैं टोटल कर दूं, और मुझे मिला कितना है 4 लाख रुपीस। रीपेमेंट्स जो हुई हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज ने हमें इस साल पे करा है 4 लाख रुपीस पे करा है, तो इसमें ये चीज ऐड करने के बाद ये मैं माइनस कर दूंगा तो जो बच जाएगा वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? और जस्ट समझाने के लिए कि फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने एंट्री कैसे करूंगा, बिकॉज इंटरेस्ट की हमेशा पहले ड्यू एंट्री होगी। जब मैं ड्यू एंट्री करूंगा ईयर के एंड में 31/12/2015 को, तो एसेट है, जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा उस एसेट पे तो जाहिर है कि एसेट बढ़ जाएगा, तो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट मेरे लिए गेन है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने इंटरेस्ट जो है पहले ड्यू करना है। अब उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे कुछ पैसा इंटरेस्ट का मिलेगा और कुछ पैसा मुझे जो है रीपेमेंट का मिलेगा, सॉरी इंस्टॉलमेंट का मिलेगा, यानी कि टोटल 4 लाख रुपीज हमें मिल गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये 4 लाख रुपीज हमें मिल गए, और जब पैसा हमें मिलेगा तो लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। Is it clear to you or not? और जो इंटरेस्ट है आप चाहो तो यहीं पर ब्रैकेट में पीएनएल लिख सकते हो, नहीं तो यहां पर आप लिखोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हर साल बेसिकली आपको ईयर के एंड में ये एंट्रीज करनी होंगी, एक बार इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री, फिर उसके बाद जो पैसा आपको मिल रहा है उसकी रिसीविंग एंट्री। इज इट क्लियर टू यू? बेसिकली दो एंट्री होती है, क्योंकि इंटरेस्ट के आगे आप पीएनएल लिख के यहीं खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये टेबल बनाना है, यानी कि अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा सेकेंड ईयर की बिगनिंग में 2016 की बिगनिंग में ओपनिंग बैलेंस ये हो जाएगा। अब इसका 10% आप कंप्यूट करेंगे तो आपका टोटल जो लोन हो गया वो इतना हो गया, और इस साल आपको टोटल पैसा कितना मिल रहा है 3,84,000। इस साल का प्रिंसिपल अमाउंट 3,20,000 प्लस जो इंटरेस्ट था आपका 64,000, तो 3,84,000 आपको टोटल मिला। ईयर के एंड में आपका बैलेंस जो है वो इतना बच जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको रिपीट करते रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और फाइनल ईयर में बेटर रहता है, मैंने कहा कि थोड़ा सा एप्रोप्रिएट करना पड़ता है इंटरेस्ट, और वो आपको आता ही है, तो इसलिए मुझे कुछ बताने की उसमें जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर में मैंने जो है इंटरेस्ट की पेमेंट इनका और इनका डिफरेंस ले लिया है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है, ये फुल फ्लेड्स क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू यू? रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए जी, अब 7.3.4 को हम देखते हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि इवनिंग 24 लिमिटेड इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड रिसीव्स इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कहता है इवनिंग 24 लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट फ्री लोन मिला। किससे मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला। आगे कहता है लोन कैरीज नो इंटरेस्ट
और ये जो लोन है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, करेक्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, यानी कि गवर्नमेंट आपको कुछ असिस्टेंस दे रही है और ये जो लोन है थर्ड ईयर के बाद पे करना है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप एंटिटी हैं और आप एंटिटी का नाम है इवनिंग 24 लिमिटेड। कितना अमाउंट मिला मुझे लोन को, मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर की बिगनिंग है और फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में आपको जो लोन का अमाउंट मिला है वो 5 लाख रुपीज का मिला है। ये तो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट, और इस पे इंटरेस्ट जो है वो 0% है, करेक्ट। फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर यहां खत्म होगा, सेकेंड ईयर यहां खत्म होगा, थर्ड ईयर यहां खत्म होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, अब उसने एक अच्छी बात यह है कि जो लोन का अमाउंट अब की बार हमें मिला है, ये लोन का अमाउंट हमें मिला है तो वो क्या, और ये लोन एक तरीके से हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है अब की बार, इजंट इट और नॉट? और वो कह रहा है ये फेयर लोन, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन जो है वो 4,50,000 है, एसेट हो या लायबिलिटी इनिशियली हमें उसकी फेयर वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अब समझना ये है कि आपको जो पैसा मिला ईयर की बिगनिंग में, कितना पैसा मिला है? सर मिला तो हमें 5 लाख है, वेरी गुड, मिला आपको 5 लाख है, इस बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है लोन के रूप में, फाइनेंशियल लायबिलिटी ब्रैकेट में आप लोन लिख लें, फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को इनिशियली हम किस पर बुक करते हैं? फेयर वैल्यू पे करते हैं, और फेयर वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट कर करके दी हुई है, तो इसका मतलब मुझे 4,50,000 पे इसको बुक करना पड़ेगा। अब जो ये डिफरेंस आया, डेफिनेटली ये तुम्हें एक तरीके से फायदा तो है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं? ग्रांट अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसको हम ग्रांट अकाउंट लिखते हैं। तुम्हें मालूम है कि यहां पर इंड एस 20 एक्चुअली अप्लाई हो रहा है, अगर तुमने इंड एस 20 के बारे में पढ़ा है तो। इससे पहले के लेवल पे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 पढ़ा था, अब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इंड एस 20 है। तो इसका मतलब है इंड एस 20 के मुताबिक ये एक तरीके की ग्रांट मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर हमें जो लोन मिल रहा है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब ये जो लोन हमें मिल रहा है 50,000, इसका मतलब ये जो ग्रांट हमें मिल रही है 50,000 रुपीज की, इस ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा? जस्ट समझाने के लिए पूछा नहीं है उसने, तो यही पूछा है कि आपकी एंट्री क्या होगी। अब ये जो ग्रांट मुझे मिली है, ग्रांट 50,000 रुपीज की, बिकॉज लोन का पैसा मैं 3 साल तक यूज करूंगा, फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, तो लॉजिकली इस ग्रांट को मुझे 3 साल में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दिस ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल ओवर द पीरियड ऑफ लोन, यानी कि 3 साल इस केस में, ओवर द पीरियड ऑफ लोन। तो हर साल फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में मैं वन थर्ड जो है इसको रिकॉग्नाइज करूंगा, तो ग्रांट का पैसा खत्म हो जाएगा। अब एट द सेम टाइम जब थर्ड ईयर खत्म होगा तो तुम्हें अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को पे भी करना पड़ेगा, तो उस वक्त आप एंट्री लिखेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,50,000। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। हार्डली जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और दूसरा है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक। और फर्स्ट सेशन में आपको याद होगा हमने बहुत चर्चा करी थी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कोई इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब बनता है, कैसे बनता है और उसके पीछे की कहानी क्या होती है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए तुम्हें क्या क्या चीजें पहले तो पता होनी चाहिए, पहले तो ये भी हमें देखना होगा, इजंट इट और नॉट? लास्ट सेशन में हमने, मैंने कहा लास्ट तो नहीं, जब फर्स्ट सेशन मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टार्ट करा था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर डेट और इक्विटी के एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट CFI, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि डेट के एलिमेंट, डेट का मतलब ही होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी,
जिसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी के एलिमेंट हैं और जिसमें इक्विटी के एलिमेंट हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक तो ये चीज आपको पहले तो मालूम होनी चाहिए, करेक्ट। दूसरा इसमें क्या मालूम होना चाहिए, अगर मान लेते हैं कि किसी एंटिटी ने कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करा है, तो सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग का जहां तक सवाल है, तो जो भी प्रोसीड्स मुझे मिलेंगे जब मैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करूंगा, मान लेते हैं हमारी कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करे सिंप्लिसिटी के लिए, इनिशियली जब मैं डिवेंचर इश्यू करूंगा तो जो प्रोसीड्स मुझे आएंगी, मान लेते हैं 10 लाख के डिवेंचर है तो 10 लाख रुपए की प्रोसीड्स कलेक्शन मेरी जो होगी वो कितनी होगी, 10 लाख की होगी। लेकिन जो भी प्रोसीड्स मैंने कलेक्ट करी है उस प्रोसीड्स को मुझे पहले बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट किस किस में करना पड़ेगा, कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी के पोर्शन में और कुछ इक्विटी के पोर्शन में। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ प्रोसीड्स। तो जो भी इनिशियली आपकी कलेक्शन होगी उसको आप एलोकेट करेंगे, किस किस में आप उसको एलोकेट करेंगे, पॉइंट यहां पर ये भी है। तो उसको एलोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा तो आप फाइनेंशियल लायबिलिटी में एलोकेट या बाइफरकेट करेंगे, एलोकेट करेंगे, और कुछ जो है वो इक्विटी में। अब पॉइंट ये है कि जो मुझे टोटल प्रोसीड्स मिली उसका कितना हिस्सा मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी में ले जाऊं, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी फ्यूचर कैश फ्लोज की। और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि मुझे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहां पर हम जो लेंगे वो इस इंस्ट्रूमेंट से मिलते जुलते जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमारी कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करे हैं तो मार्केट में जो डिवेंचर से रिलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उस इंटरेस्ट का, उस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं लूंगा। जैसे कि मार्केट में नॉर्मली कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो मान लेते हैं कि 10% के हिसाब से वो इश्यू करती है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं, और मान लेते हैं हमारी कंपनी ने जब डिवेंचर इश्यू करे तो 8% के हिसाब से दिए, तो हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूंगा ये तो कूपन रेट है 8%, लेकिन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिमिलर डिवेंचर 10% माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जितनी भी प्रोसीड्स हुई उसके कुछ हिस्से को मुझे फाइनेंशियल लायबिलिटी में बांटना पड़ेगा, कुछ को इक्विटी में, और फाइनेंशियल लायबिलिटी में कितना हिस्सा मैं ब्रेकअप करूंगा और कैसे करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑन द बेसिस ऑफ जैसा कि मैंने कहा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट MRI, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने ये भी कहा ऑन सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमने इश्यू करे हैं उन्हीं तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में उनका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा यहां पर, ऑन सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, और उसके हिसाब से मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं कितना हिस्सा फाइनेंशियल लायबिलिटी में, ये जो टोटल प्रोसीड्स हुई हैं उसका कितना हिस्सा मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी में जो है एलोकेट करूंगा। इज इट क्लियर टू? मान लेते हैं प्रोसीड्स 10 लाख की है और मैंने फ्यूचर कैश फ्लोस देखे और फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी, मान लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू जो आ गई टोटल करके 8 लाख आ गई, तो इसका मतलब जो 10 लाख रुपए एब्सोल्यूट टर्म्स में मुझे मिले उसमें से मैं मान के चलूंगा कि 8 लाख तो लायबिलिटी है, मिले तो 10 लाख है लेकिन मैं लायबिलिटी कितनी मान रहा हूं 8 लाख, तो इसका मतलब मुझे कुछ गेन हो रहा है एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में, तो जो डिफरेंस है वो हम इक्विटी में ले जाएंगे। यानी कि इक्विटी का बेसिकली यहां पर क्या मतलब हो गया, तो इक्विटी का मतलब हो गया टोटल प्रोसीड्स लेस, जो टोटल प्रोसीड्स है उसमें से फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन हम माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इक्विटी का मतलब है टोटल प्रोसीड्स, जितनी भी टोटल प्रोसीड्स हुई हैं उसमें से आप लेस कर दोगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसको आपने माइनस करना है। तीसरा पॉइंट आपको अकाउंटिंग करते वक्त क्या मालूम होना चाहिए, जो थर्ड पॉइंट है उसका ताल्लुक ट्रांजेक्शन कॉस्ट से।
बिकॉज यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट में मुझे क्या करना होगा, यहां पर भी जरा ध्यान दें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट में तुम्हें यह तो मालूम है कि जो टोटल प्रोसीड्स हैं, अभी अभी मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने ये देखा कि जो टोटल प्रोसीड्स हमें मिली उसको हमने ब्रेक कर लिया, उसको हमने ब्रेक करा फाइनेंशियल लायबिलिटी में, फाइनेंशियल लायबिलिटी में और इक्विटी में। अब आप क्या देखेंगे, ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है फाइनेंशियल लायबिलिटी का और इक्विटी का, इस रेशियो में आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट एलोकेट करनी है। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट किसी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से होती है तो हम उसको माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू में से जिस पर हमने रिकॉग्नाइज करी है फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, लेकिन इनके इस रेशियो में। तो जो भी इनका ये रेशियो होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी आएगी वो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट ये होगा। फिर ईयर के एंड में, और ईयर के एंड में हमें क्या करना होगा, जाहिर है कि ईयर के एंड में एट द फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो कंपोनेंट है, खासतौर से फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट एट ईच ईयर एंड, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। अब जो फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट है उसको तो मैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, यानी कि जैसे मैंने अभी करा था पिछले हिसाब से, पिछले मेथोडोलॉजी से, उसी हिसाब से मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जस्ट वेट। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट इज मेजर्ड, उसको तो मेजर करेंगे, इज मेजर्ड एट एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ऑन ईच बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट के डेट में, यानी कि ईयर के एंड में रिपोर्टिंग डेट को जो फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट है उसको मुझे एमोर्टाइज कॉस्ट पर रिप्रेजेंट करना है। जबकि जो इक्विटी एलिमेंट जो मैंने जिस वैल्यू पे इनिशियली रिकॉग्नाइज करा है उसी वैल्यू पे ईयर एंड में मैं उसको रिफ्लेक्ट करूंगा। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट की बजाय यहां पर कंपोनेंट लिख लो, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इक्विटी कंपोनेंट शैल बी कैरीड, शैल बी कैरीड एट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू, एट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू। तो इनिशियली जिस वैल्यू पे हमने रिकॉग्नाइज करा है उसी वैल्यू पे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को कैरी करेंगे। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, और डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक और फॉर दैट डिस्टेंस फ्रॉम एमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, केस स्टडी 8.1 को ध्यान से देखें, और 8.1 में वो क्या कहता है, SXM लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने 5000 डिवेंचर इश्यू करे हैं 100 रुपए वाले। ध्यान से देखना है कि जो SMX लिमिटेड नाम की कंपनी है उन्होंने 6% ये कूपन रेट है, 6% 5000 डिवेंचर इश्यू करें, और जो ये डिवेंचर इश्यू करें एट द रेट ऑफ उनकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, 100 के हिसाब से इश्यू करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहता है आगे, एंड कंपनी गेव एन ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर टू गेट देयर डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इन द रेशियो ऑफ 1:1। और कंपनी ने यहां अपने डिवेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया कि थर्ड ईयर के बाद, यानी कि थर्ड ईयर के बाद आप चाहो तो अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, थर्ड ईयर के बाद आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट, या तो इक्विटी, या तो अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में, या फिर थर्ड ईयर के एंड में आप, इसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि अगर आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो इसके अगेंस्ट कैश ले सकते हो, बिकॉज वी हैव गिवन एन ऑप्शन टू द डिवेंचर होल्डर। अगर मैं डिवेंचर होल्डर को यह ऑप्शन दे रहा हूं, पहले तो ये
जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्यों है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था कि अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता हूं जिसमें कि मैं होल्डर्स को ये ऑप्शन देता हूं, करेक्ट, दे आर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। यहां जो है होल्डर के पास ऑप्शन है वेदर दे वांट टू गेट देयर डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर और फॉर दैट इंस्टेंस दे कैन ऑल्सो टेक कैश अगेंस्ट द सेम। यानी कि यहां पर डिवेंचर होल्डर्स के पास ये अधिकार है कि वो चाहें तो अपने डिवेंचर को 3 साल के बाद रिडीम करवा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके, या फिर वो उसके अगेंस्ट कैश ले सकते हैं। अब ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इक्विटी के एलिमेंट भी हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी के एलिमेंट भी हैं। लेकिन मैंने तुम्हें यह भी चीज बताई थी और कई बार मैं ये अकाउंट्स में बता चुका हूं कि कभी भी जब इस तरह के ऑप्शंस होल्डर्स के पास होते हैं तो आपने क्या मान करके चलना है कि जैसे कि वो, यानी कि आपने ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की रख ली है कि जैसे कि वो कैश ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो अब आगे उसने ये भी लिखा कि अगर थर्ड ईयर के बाद ये कन्वर्ट होते हैं, याद रखें हमारे 5000 डिवेंचर हैं, अगर ये कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में, सपोज ये डिवेंचर कहते हैं कि हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, तो हर एक को एक इक्विटी शेयर मिलेगा, यानी कि कंपनी को 5000 इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर आप 5000, जो मैं पूछ रहा हूं उतना ही आंसर देना है, अगर मैं 5000 डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं और एक डिवेंचर 100 रुपए का है, तो बताओ इनिशियली मेरे पास कितना पैसा आएगा। सर हमारे पास, कैसी बात आप कर रहे हैं, 5 लाख रुपीज का पैसा आएगा, नो डाउट अबाउट डेट, 5 लाख रुपीज हमारे पास आएगा। फिर मैंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो पैसा हमारे पास आ गया उसको मुझे ब्रेकअप करना है फाइनेंशियल लायबिलिटी के पोर्शन में और इक्विटी के पोर्शन में इनिशियली, यही मैंने आपसे कहा था। फिर मैंने आपसे यह भी कहा था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में कितना हिस्सा जाएगा ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा था आपको प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी जो भी इनफ्लोज आपके होंगे। तो अब सबसे पहला काम आपका ये है कि इनिशियल डेट को आपने बाइफरकेट करना है 5 लाख के अमाउंट को। 5 लाख के अमाउंट को बाइफरकेट करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि हमने कितने रुपए के डिवेंचर इश्यू करे, 5 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू करे हैं और उन पे कूपन रेट कितना है, पहले तो आप ये देखेंगे। तो कूपन रेट उस पे कितना है पहले उसके हिसाब से मूव करना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो 5 लाख रुपीज के डिवेंचर है, अगर मैं 5 लाख के डिवेंचर है और फर्स्ट ईयर के एंड में मैं आपसे पूछूं कितना इंटरेस्ट बनेगा 6% के हिसाब से, तो 30,000 का इंटरेस्ट बनेगा। इसका मतलब है जब आप फाइनेंशियल लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज की फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना पैसा मिलेगा या आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज देखनी है। यहां पर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का केस है क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करे हैं, तो मुझे कहना चाहिए कि कितना आउटफ्लो होगा। तो 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में, करेक्ट। फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी कोई और तो पेमेंट नहीं करेगी ना, देखो जो डिवेंचर्स हैं वो तो 3 साल के बाद वापस करने हैं कंपनी ने, तो फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 30,000 रुपीज बाहर जाएगा, सेकेंड ईयर में भी 30,000 जाएगा क्योंकि 5 लाख के डिवेंचर्स हैं, करेक्ट। कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करे हैं, 6% के हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कंपनी ने ये डिवेंचर कह के इश्यू करे हुए हैं कि 3 साल के बाद हम ये रिडीम करेंगे या तो, और लेकिन ये अधिकार जो है वो डिवेंचर होल्डर्स का होगा कि वो चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में, नहीं तो कैश ले सकते हैं। थर्ड ईयर में 30,000 तो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने अभी कहा इस तरह के ऑप्शन में यह मान करके चलेंगे कि जैसे कि आपको कैश ही देना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब है थर्ड ईयर में जब मैं आउटफ्लो कंप्यूट करूंगा तो 30,000 तो इंटरेस्ट के होंगे और 5 लाख रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इस तरीके से मेरे ये आउटफ्लोज होंगे। अब मैं इनको डिस्काउंट करूंगा, जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो हमेशा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। अब उसने देखो यहां इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, अब ये पॉइंट बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है इसलिए ध्यान में रखना है। अब कहता है जो एंटिटी है इफ एस एक्स एम लिमिटेड, यानी कि इस एंटिटी ने, वो क्या कहता है, वुड नॉट हैव इश्यूड डिवेंचर विद कन्वर्जन ऑप्शन, यानी कि इस एंटिटी ने अगर अपने डिवेंचर जो ये इश्यू करे हैं उसमें अगर कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं दिया होता तो कहता है फिर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर वुड हैव बीन 10%। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया कि ये जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री को भी ये वाली एंटिटी बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में जनरली कोई एंटिटी अगर डिवेंचर इश्यू करती है
अगर डिवेंचर इश्यू करती है तो उस पर 10% इंटरेस्ट देती होगी, लेकिन वो कन्वर्जन ऑप्शन नहीं देती होगी कि आप इन डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन वो नहीं देती होगी। लेकिन हमारी एंटिटी ने कन्वर्जन ऑप्शन ऐड करा है और शायद इसी वजह से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर होल्डर को वो 6% है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये कन्वर्जन ऑप्शन हमने नहीं दिया होता तो मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% वो ही रेट हमें देना पड़ता। इसका मतलब जो मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, जो हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा ऑन सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट पे मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 10% चल रहा है। और बार बार मैं आपसे एक चीज और भी कह रहा हूं, बिकॉज मार्केट में 10% का इंटरेस्ट चल रहा है और आपने 6% के हिसाब से ये डिवेंचर इश्यू करे हैं, अगेन इसका मतलब ये ऑफ टर्म्स है, ऑफ टर्म्स है, ऑफ टर्म्स। मैं बार बार इस टर्म को लिख रहा हूं, जस्ट एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए ऑफ टर्म क्या होती है, ऑन टर्म्स क्या होती है। अगर मान लो मेरी कंपनी ने ये डिवेंचर मार्केट के हिसाब से ही इश्यू करे होते, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इश्यू करे होते, तो फिर मैं ये कहता कि ऑन मार्केट टर्म्स हमने ये डिवेंचर इश्यू करें। ये दो वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ऑन मार्केट एंड ऑफ टर्म। इज इट क्लियर टू यू? मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली केसेस जो होते हैं वो ऑफ टर्म के होते हैं। और अगर ये ऑन टर्म पे होता, ऑन मार्केट टर्म्स पे होता तो क्या होता, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप यहां पर समझने की कोशिश करें। अब आपको पता लग गया कि आपके इनफ्लोस कितने हैं, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइंड करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने यहां लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि यहां आपकी बात एंटिटी ने डिवेंचर इश्यू करे हैं तो आउटफ्लो होगा। तो 30,000 और थर्ड ईयर में 30,000 प्लस 5 लाख, टोटल 5 लाख 30, और डिस्काउंट फैक्टर फिर आप 10% डिस्काउंट फैक्टर कभी भी लेंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे, तो फिर आप को मल्टीप्लाइड कर करके प्रेजेंट वैल्यू जो है निकाल सकते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 4,50,263 की आ गई। इज इट क्लियर टू यू? अब आपने क्या करा, अब जब प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर ली तो अब आपको सेग्रीगेट करना, अलग अलग करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो टोटल प्रोसीड्स आपको मिली थी वो 5 लाख की मिली थी। अब उस 5 लाख में से फेयर वैल्यू आपने कंप्यूट कर ली है, उस फेयर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन। तो जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है डेट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। तो इसका मतलब 4,50,263 विल बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन। तो इक्विटी पोर्शन कितना हो जाएगा, 49,737 का हो जाएगा। अब क्वेश्चन तुमसे अगर एंट्री पूछे बिगनिंग में तो आप बड़ी आसानी से एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल एब्सोल्यूट टर्म्स में आपके पास 5 लाख रुपए आए डिवेंचर इश्यू कर करके, लेकिन आपने जो लायबिलिटी बुक करी है वो 4,50,263 पर करी, और लिखेंगे कैसे, टू डिवेंचर ब्रैकेट में फाइनेंशियल लायबिलिटी। इज इट क्लियर टू यू? और मैंने बताया था, अब इसका मतलब पैसा 5 लाख का आया और मुझे पे करना है केवल 4,50,263 इन रियल टर्म्स, तो इसका मतलब मुझे फायदा हो गया। अब ये जो फायदा हो गया इसको हम इक्विटी मानते हैं, हालांकि लिखेंगे डिवेंचर। तो तुमने देखा ये एनडीएस की खूबसूरती है कि जो डिवेंचर है वो डेब्ट के रूप में भी है और इक्विटी के रूप में भी है, इजंट इट और नॉट? तो इसका मतलब डिवेंचर लायबिलिटी पोर्शन तो इतना है और डिवेंचर जो है वो इक्विटी पोर्शन इतना है। अब अगर क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ ले एंट्रीज, इन एंट्रीज को समझने से पहले, यहां देखो, ये मूवमेंट इन डिवेंचर लायबिलिटी, ये मूवमेंट इन डिवेंचर लायबिलिटी से मेरा क्या मतलब है भाई, ईयर की बिगनिंग में मैंने अब लायबिलिटी बुक कितने पर करी है, 4,50,263 पे। अब आप बोलेंगे सर आपने ईयर वन में बिगनिंग में यहां बाई बैंक क्यों लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिखा? भाई ईयर वन की बिगनिंग में हमने ये एंट्री करी है ना, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट, यानी कि वैसे तो ये दो एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इक्विटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी एंट्री 4,50,263 से है, तो मैं यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी या डिवेंचर लायबिलिटी अकाउंट बना रहा हूं, तो इसलिए फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में मैंने यहां पर क्या लिखा, 4,50,263। अब ये हमारे लिए लायबिलिटी है। फर्स्ट ईयर के एंड में अब देखो यहां पर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब इंटरेस्ट यहां पर जब आप अकाउंट्स के अंदर लिखेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं आपने जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से लेना है। तो 4,50,263, क्योंकि इंडेस ये कहता है कि मार्केट के हिसाब से आपने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बुक करना होता है।
तो इसलिए जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसके हिसाब से आप यहां पर क्रेडिट करेंगे। आपने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि पहले इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री होगी। इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री समझाने के लिए मैंने यहां पर भी आपको लिखा हुआ है, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, मैं एंटिटी हूं, इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट को मैं डेबिट करूंगा, और लायबिलिटी जब ड्यू होगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए 45,026 से मेरी ये एंट्री होगी फर्स्ट ईयर के एंड में, इसलिए मैं यहां पर डिवेंचर अकाउंट में लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे कितनी पेमेंट करनी है? मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में 30,000 रुपए पे करे डिवेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपने एंट्री करी। ईयर एंड में आपको केवल दो एंट्री करनी है, एक तो इंटरेस्ट ड्यू की और उसके बाद जो आपने आउटफ्लो करा है उसकी एंट्री आप करेंगे। तो जब मैं ये एंट्री करूंगा तो मेरी एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 30,000 रुपीज मैंने पे कर दिए, तो 4,50,263 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू हो गया था तो लायबिलिटी बढ़ गई, इतनी पेमेंट हो गई। तो इसका मतलब ईयर के एंड में अब जो है ये डिवेंचर या फाइनेंशियल लायबिलिटी इस वैल्यू पे आएगी, इसको हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट भी कहते हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट भी कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस वैल्यू पे मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा। इसी तरीके से अब मैं ईयर टू में आ गया, ईयर टू में भी मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, जो 4,50,269 है इसको मैंने ब्रॉट डाउन करा। अब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आऊंगा, फिर से इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करूंगा, ये इंटरेस्ट ठीक लिखी है, 4 गलती से दो बार लिख दिया, तो 4,65,289, तो उसका 10% 46,529 आ जाएगा, इसलिए सेकंड ईयर के एंड में मैंने यहां पर 46,529 लिखा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? ये ड्यू एंट्री हो गई, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, फिर आपने 30,000 पे कर दिए, तो फिर आपने 30,000 पे कर दिए सेकंड ईयर में, तो इसका मतलब अब आपका बैलेंस इतना बच गया, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप फाइनल ईयर में भी कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन तुमसे मूवमेंट या डिवेंचर लायबिलिटी अकाउंट पूछे तो ये भी आपने करके दिखाना होगा। अच्छा, एक चीज मैं तुमसे देख ये भी पूछ रहा था, तुमने नोट करा कि आपकी लायबिलिटी तो खत्म हो गई, ये लायबिलिटी अकाउंट तो आपका बेसिकली खत्म हो गया ना, यहां पर मूवमेंट इन डिवेंचर लायबिलिटी अकाउंट। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट तो आपने क्लोज कर करके दिखा दिया यहां। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब मैं ये अकाउंट बनाता हूं तो मेरा डिवेंचर या फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब ऑप्शन दिया रहता है तो मान करके ये चलना है कि डिवेंचर होल्डर जो होंगे वो बेसिकली कैश मांगेंगे। केस स्टडी 8.2 को देखें, वो कहते हैं TFM लिमिटेड इश्यू 10,000 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। अब वो कहता है TFM लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 10,000 डिवेंचर इश्यू करे हैं, 10% डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 की है, 5 ईयर टर्म पर हमने ये डिवेंचर जो है इश्यू करे, ऑन 5 ईयर टर्म। अब वो कहता है डिवेंचर्स आर मैंडेटरली कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 5 इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब यहां पर बेटे इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपने क्या डिफरेंस नोट करा, और मुझे उम्मीद है कि आपने डिफरेंस नोट कर लिया होगा। यहां पर हम 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, और ऑफ कोर्स हमारा कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अब की बार डिवेंचर हमने जो इशू करे हैं वो 5 ईयर्स के टर्म पर करें, यानी कि 5 साल के बाद हम इनको रिडीम करेंगे। लेकिन अब की बार उसने क्या दिया है कि जब ये डिवेंचर 5 साल के बाद रिडीम होंगे तो मैंडेटरली, यहां कंपल्सन है, मैंडेटरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, यानी कि यहां डिवेंचर होल्डर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये डिवेंचर फाइनली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या मान करके चलेंगे, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जब प्रिंसिपल अमाउंट है नो डाउट उसमें कोई कैश हम पे नहीं करेंगे, isn't it? कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं देंगे, हमें इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अगेंस्ट तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो मुझे हर साल पे करना है ना, उसके लिए ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। अब उसने कहा कि 5 ईयर्स के बाद जब हम इक्विटी शेयर देंगे 1:1 देंगे, 1:1 का मतलब 10,000 डिवेंचर है, हर एक को एक इक्विटी शेयर देंगे, इसका मतलब 10,000 इक्विटी शेयर देंगे। आगे कह रहे हैं मार्केट रेट फॉर सिमिलर डिवेंचर विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन इज 15%। तो अब तुम्हें ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए कि मार्केट में वैसे तो रेट 15% है, लेकिन हमने 10% पर इसलिए इश्यू करे हैं क्योंकि हमने कन्वर्जन ऑप्शन दिया है।
अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहला काम आपका क्या होगा, पहले तो आपको टोटल प्रोसीड्स कितनी मिली हैं इस केस में। सर टोटल प्रोसीड्स हमें 10 लाख की मिली है, टोटल प्रोसीड्स आपको 10 लाख की मिली है। अब आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, वही काम जो हम करते चले आ रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी में इक्विटी में। ब्रेक करने के लिए मुझे अपने आउटफ्लोस देखने पड़ेंगे। अब की बार जो मेरे आउटफ्लो होंगे 5 साल के होंगे और हर साल मेरा जो आउटफ्लो होगा 10 लाख रुपए के डिवेंचर हैं और 1-1 लाख रुपए का ही होगा, क्योंकि 5वें साल में भी 1 लाख ही आएगा, क्योंकि अब की बार 5th ईयर के एंड में मैं कैश नहीं दे रहा हूं, 5th ईयर के एंड में मैं इक्विटी शेयर दे रहा हूं रिडीम करने के लिए। तो इसलिए जब आप आउटफ्लो करेंगे कंप्यूट, तो यहां पर आप देखें तो जैसा कि आपने देखा स्टेप वन में डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के लिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर के एंड में 1 लाख का अमाउंट मैंने लिखा है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि हर साल में 1-1 लाख रुपए जो है अब की बार पे करूंगा, और मैंने 5th ईयर में अब की बार 10 लाख रुपए जो डिवेंचर का प्रिंसिपल का अमाउंट है वो नहीं लिखा, क्योंकि उसके लिए मुझे कैश पे नहीं करना, उसके लिए मेरा कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब जब डिस्काउंट फैक्टर आप लेंगे 15% के हिसाब से लेंगे, मैंने यहां डिस्काउंट फैक्टर लिए नहीं है, ये डिस्काउंट फैक्टर आप ले लेंगे, जो भी डिस्काउंट फैक्टर है ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा तो वो डिस्काउंट फैक्टर को आप मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड करने के बाद मेन चीज है कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जिसका टोटल मैंने आपको दिया हुआ है 3,35,200। तो आपको ये पता लग गया कि जो 10 लाख रुपए आपके पास कैश आया, करेक्ट, 10 लाख रुपए जो आपके पास कैश आया है उसमें से 3,35,200 तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन है, और जो बच गया 6,64,800 वो इक्विटी पोर्शन है। 10 लाख आए और मैं लायबिलिटी बुक कर रहा हूं 3,35,200 से, तो इसका मतलब 6,64,800 में ले गेन है, उसको मैं इक्विटी में ले गया। अब एंट्री क्या होगी? जब आप एंट्री आप खुद ही कर सकते हैं, एंट्री आपकी हो जाएगी, इनफैक्ट ये एंट्री ऐसे लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए आपके पास आए टू डिवेंचर अकाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो लायबिलिटी पोर्शन 3,35,200 है एंड टू इक्विटी अकाउंट डेट इज 6,64,800। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह आप यहां पर मूवमेंट भी दिखा सकते हैं। अब मूवमेंट आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में बाई बैंक लिखेंगे, क्योंकि ईयर की बिगनिंग में आपने जो लायबिलिटी है उसको 3,35,200 से बुक करा हुआ है। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और फर्स्ट ईयर के एंड में आप 1 लाख की पेमेंट कर देंगे तो अमाउंट आपका इतना बचेगा, एंड सो ऑन करते 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 5 साल में फिर आपका ये अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि स्टेप 5, अब बिकॉज इस क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जब 5th ईयर खत्म होगा तो हमारी कंपनी जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देगी डिवेंचर्स को पे करने के लिए। देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी तो ऑलरेडी खत्म हो गया ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंट तो मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहां पर जो इक्विटी बचा, कहां पर चला गया, ये जो इक्विटी बचा हुआ है 6,64,800, isn't it or not? फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन 6,64,800 का इक्विटी कॉम्पोनेंट बचा हुआ है। याद रखो ये भी डिवेंचर ही है, लेकिन ये वो डिवेंचर है जिसको हमने इक्विटी का पार्ट माना हुआ है, तो ये भी डिवेंचर। तो जो डिवेंचर लायबिलिटी के रूप में थे वो तो आपने पे कर दिए, लेकिन अब जो डिवेंचर 6,64,500 के इक्विटी के हैं, अब डिवेंचर तो याद रखना कि आपने क्या वादा करा था कि आपके 10,000 डिवेंचर थे, आपने कहा था हर एक को हम 1 इक्विटी शेयर देंगे। तो आप जब इनको इक्विटी शेयर देंगे, ये जरा ध्यान में रखना, आपकी एंट्री होगी 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 × 100 10 लाख। अब प्रॉब्लम यह है कि जो डिवेंचर आपने इक्विटी के रूप में क्लासिफाई करे हुए हैं वो तो 6,64,500 के हैं ना, इसका मतलब जब आपने डिवेंचर इनको दिए, सॉरी जब इन डिवेंचर होल्डर को आपने इक्विटी शेयर दिए तो अब आपको लॉस हो गया, इसको आप इक्विटी लॉस अकाउंट यहां पर लिखेंगे, इक्विटी अकाउंट ब्रैकेट में आप लॉस अकाउंट लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन तो पहले ही, वो डिवेंचर जो लायबिलिटी के रूप में रिकग्नाइज थे वो तो ऑलरेडी पे ऑफ हो गए हैं। अब जो बचे हुए डिवेंचर्स हैं, इक्विटी जो कंपोनेंट है वो इक्विटी कंपोनेंट वाले डिवेंचर बचे हुए हैं, तो जाहिर है कि अब मुझे उनको तो इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि डिवेंचर्स को हमने अब की बार मैंडेटरीली कंपल्सन है
कि हमने उनको इक्विटी शेयर इश्यू करना ही करना है। जो हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकग्नाइज करी थी वो अकाउंट तो आपका क्लोज हो जाएगा, लेकिन अब जो डिवेंचर बचे हुए हैं उनको तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना, लेकिन आप इक्विटी शेयर्स देंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट 6,64,500 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद केस स्टडी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहां पर, चलो मैं इसी क्वेश्चन में, मान लो मैंने ये डिवेंचर 15% के हिसाब से इश्यू करे होते, ऑन मार्केट टर्म्स के हिसाब से इश्यू करे होते, तो क्या फर्क पड़ता क्वेश्चन में? यानी कि मैंने कहा 99% क्वेश्चन तो ऑफ मार्केट टर्म्स पर होते हैं, लेकिन अगर मैं ऑन मार्केट टर्म्स पर डिवेंचर को इश्यू करूं तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? मुझे कोई पहला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, जो मेरे पास टोटल प्रोसीड्स आ रही है वो सारी की सारी फाइनेंशियल लायबिलिटी मानी जाएंगी। देखो, जो टोटल प्रोसीड्स यहां पर 10 लाख की आ रही हैं, उसमें से हमने कुछ हिस्सा लायबिलिटी माना, कुछ इक्विटी माना। वो इसलिए माना क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी। प्रेजेंट वैल्यू क्यों कंप्यूट करी? क्योंकि जो ये डिवेंचर्स हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। अगर मैं ऑन मार्केट टर्म्स पर इश्यू करूंगा जो जितनी भी प्रोसीड्स होंगी वो सारी की सारी लायबिलिटी मानी जाएंगी, उसमें पहला स्टेप मुझे कंप्यूट ही नहीं करना पड़ेगा। एंटायर प्रोसीड्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड नथिंग विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी। बस ये डिफरेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? केस स्टडी 3 में क्या कहता है, ZX लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 6% क्यूमुलेटिव डिवेंचर इश्यू करे हैं फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट पार। अब ZX लिमिटेड ने 6% क्यूमुलेटिव डिवेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले पार पे। अब कहता है डिवेंचर्स आर रीडेमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31st of 3 2020, और कहता है इन डिवेंचर्स को वापस करा जाएगा एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पर, और कहता है आफ्टर 4 years, और कहता है और दे मे बी कन्वर्टेड इंटू ऑर्डिनरी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। इसका मतलब यहां भी डिवेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है, यहां भी ऑप्शन है। इज इट क्लियर टू यू? यहां मैंडेशन नहीं है। इंटरेस्ट रेट फॉर इक्विवेलेंट डिवेंचर विदाउट कंसिडरिंग कन्वर्जन राइट इज 10%। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो कह रहे हैं बीइंग ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट डेट पोर्शन, सेपरेट द डेट पोर्शन एज एट इश्यू डेट। यानी कि इश्यू डेट को आपको ये बताना है कि डेट का कितना पोर्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्विटी पोर्शन तुम्हें दे दिया है। ये बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। पहली बात तो है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जो ZX लिमिटेड नाम की कंपनी है, ZX लिमिटेड नाम की कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू करे हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर अब की बार हमारे पास नहीं है, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू करें ये हमारे पास नहीं है। हाँ, ये हमें दिया हुआ है कि फेस वैल्यू उनकी 100 रुपए की और हमने पार के हिसाब से इश्यू करें, और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इन डिवेंचर को 4 साल के बाद रिडीम करा जाएगा। जब रिडीम करा जाएगा तो 10% प्रीमियम पर वापिस करा जाएगा, 110 के हिसाब से वापिस होंगे। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टोटल वैल्यू डिवेंचर की नहीं है। आगे उसने ये भी कहा कि जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, कूपन रेट आपका 6% है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 1,85,400 जो है वो इक्विटी पोर्शन है। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पता करना है कि हमारा डेट का पोर्शन यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन कितना है, क्योंकि 1,85,400 इक्विटी पोर्शन आपको दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में जाहिर है कि मुझे फिर मैथमेटिक्स थोड़ी अपनानी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास प्रिंसिपल का अमाउंट ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल को एक्स मान लूंगा। करेक्ट, लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। अगर प्रिंसिपल का अमाउंट एक्स है और कूपन रेट 6% है, करेक्ट, सपोज प्रिंसिपल का अमाउंट 5 लाख होता तो मैं 6% 5 लाख का कंप्यूट करता। अब यहां प्रिंसिपल का अमाउंट एक्स है और कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो इंटरेस्ट जो होगा 6% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस मच, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच, इजंट इट और नॉट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। बिकॉज अब की बार हमने डिवेंचर होल्डर को यह ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझना यह है कि हर साल आप 0.06x इंटरेस्ट तो पे करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आपका इंटरेस्ट पे होगा ही होगा। लेकिन जो फोर्थ ईयर है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ ईयर में अब की बार आपको प्रिंसिपल का अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, यानी कि जो अमाउंट आपने पे करना है। क्यों? क्योंकि अब की बार हमने ऑप्शन दिया, अब की बार मैंडेटरीली कन्वर्टेबल नहीं है, और जब हम ऑप्शन देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें
वो कैश भी ले सकते हैं, तो इसलिए मुझे यहां कैश की पेमेंट दिखानी पड़ेगी आउटफ्लो में। तो फोर्थ ईयर में आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्रिंसिपल है वो तो एक्स है, लेकिन मैंने बताया था 10% प्रीमियम पर आप वापस करेंगे, तो 10% ऑफ एक्स यानी कि जो एक्स है प्लस 10% ऑफ एक्स, ये मैंने यहां पर इज इट क्लियर टू यू, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स जो भी आपकी पेमेंट आएगी, तो फोर्थ ईयर में आपने इतना अमाउंट पे करना है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, इज इट क्लियर टू यू, तो एक्स का अमाउंट है और वो कह रहा है कि उसको मुझे 10% प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम पे करेंगे तो 10% ऑफ एक्स हम उसमें ऐड कर देंगे, इज इट क्लियर टू यू, तो इसका मतलब 1.10x, इसका मतलब फाइनल ईयर में जो आउटफ्लो आपका होगा वो इतना हो जाएगा टोटल। बस ये चीज आपने पता कर ली, तो उसके बाद फिर आप यहां पर इसको नोट कर लेंगे, जो भी आउटफ्लो है जो मैंने अभी बताए, मार्केट रेट डिस्काउंट फैक्टर का 10% है, आप 10% डिस्काउंट फैक्टर के रेट्स लिंक निकाल लेंगे और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाइड करने के बाद अपनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट दिया हुआ है 0.93282x, इन सबका टोटल आ जाएगा 0.9328x। अब आपको क्या करना है यहां पर, अब आपको मालूम होना चाहिए आपकी टोटल प्रोसीड्स, हमने क्या मान के चली थी, टोटल प्रोसीड्स हमने एक्स मानी थी, एक्स क्या है, टोटल प्रोसीड्स हैं, उसमें से मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन और फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन मैंने 0.9382x जो है परज्यूम करा है, तो एक्स में से मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास यानी कि 1 में से मैं ये फिगर माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.0618x, इतना ही आएगा ना, चलो इतना ही आएगा कोई बात नहीं, तो ये आपका इक्विटी आ गया। बस अब आपको ये पता लग गया कि इक्वेशन के मुताबिक इक्विटी इतनी है और इक्विटी की वैल्यू आपको गिवन है, अब आप एक इक्वेशन बना सकते हो। तो यहां पर इक्विटी की वैल्यू 1,85,400 क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कह सकते हैं दिस फिगर मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो यही मैंने यहां पर लिखा है 0.618x इज इक्वल टू 1,85,400 और फिर आप x की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे, और x क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये ध्यान रखना, टोटल प्रोसीड सॉरी प्रिंसिपल नहीं, टोटल प्रोसीड हमने x मानी थी, तो जो टोटल प्रोसीड 30 लाख की हैं उसमें से आप इक्विटी का पोर्शन माइनस कर देंगे, तो इक्विटी का पोर्शन माइनस करके आपको ये पता लग गया कि डेट का अमाउंट कितना है 28,14,600, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेट विच यू आर गोइंग टू कंसिडर, इज इट क्लियर टू यू और नॉट, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, यस सर समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन में केस स्टडी 8.4 में कहता है G51 लिमिटेड होल्ड 5,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ जेम इंडिया लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 5 लाख, तो जेम इंडिया लिमिटेड के पास 5 लाख वर्थ के डिवेंचर्स हैं। अब कहता है अकाउंटेंट ऑफ G51 लिमिटेड वांट्स टू नो वेदर दीज आर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड वेदर दीज शुड बी बाइफरकेटेड इनटू डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डिवेंचर होल्डर। अब G51 लिमिटेड ने हो सकता है 5,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे होंगे, ये इन्वेस्टर है आपकी बात, ये डिवेंचर होल्डर है, तो G51 लिमिटेड होल्डर है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है ये इश्यूअर के लिए जरूरी है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डेप्ट में और इक्विटी में बाइफरकेट करना, लेकिन जो इन्वेस्टर है जिसने ये डिवेंचर खरीदे हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके लिए इसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। एज पर इंड एस 32 होल्डर्स ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नीड नॉट रिक्वायर टू बाइफरकेट इट इनटू व्हाट वी कॉल इक्विटी एलिमेंट एंड फाइनेंशियल एलिमेंट, इज अ क्लियर, फाइनेंशियल लायबिलिटी एलिमेंट। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो क्या है, ये वही क्वेश्चन है जिसकी आपको बड़ी तलाश थी और जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। सपोज कोई कंपनी है 10,000 डिवेंचर उसने इश्यू करे हुए हैं और ये परपेक्चुअल डिवेंचर हैं, 100 रुपए के हिसाब से ये डिवेंचर इश्यू करे हुए, 10,000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से इश्यू करे हुए हैं, 8% इस पे कूपन रेट है, करेक्ट। अब की बार क्या कहता है, ये तो कूपन रेट है और अब की बार मार्केट रेट भी 10% है, सॉरी मार्केट रेट भी अब की बार 8% है, ये क्वेश्चन है अब की बार। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हाउ दीज डिवेंचर्स आर टू बी अकाउंटेड फॉर बाय द एंटिटी, अब की बार ये एंटिटी इन डिवेंचर को कैसे अकाउंट करेगी,
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि अगर हम डिवेंचर्स को ऑन मार्केट टर्म्स पे इश्यू करेंगे, ये ऑन मार्केट टर्म्स है क्योंकि मार्केट रेट भी वही है, तो उस केस में जो पूरी टोटल प्रोसीड्स आएंगी मुझे उसको कोई डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मार्केट रेट के हिसाब से इश्यू करे, तो इसका मतलब एंटायर टोटल प्रोसीड्स जो होंगी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करी जाएंगी। मैं शायद इसका आंसर मैंने यहां लिखा हुआ है, यहां देखें, एज पर इंड एस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी पोर्शन इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इन द गिवन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज 8% एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो 8%, इट मीन्स डिवेंचर्स हैव बीन इश्यूड एट फेयर वैल्यू इटसेल्फ, इसका मतलब डिवेंचर को हमने फेयर वैल्यू पर ही इश्यू करा हुआ है, यानी कि ऑन मार्केट टर्म्स इश्यू करा हुआ है, दस एंटायर प्रोसीड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, सारी की सारी प्रोसीड्स जो होंगी वही फेयर वैल्यू मानी जाएंगी और वही फाइनेंशियल लायबिलिटी ट्रीट करी जाएंगी। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट भी पूछा है, वो कह रहा है कि आपका आंसर क्या होगा अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो तब मैं इस केस में, ऑफ कोर्स अगर मार्केट रेट 10% है तो मुझे इसको बाइफरकेट करना तो पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मली मुझे बाइफरकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है और खासतौर से जब हम ऑफ मार्केट टर्म्स पे इश्यू करते हैं तो तब प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि शुरू में लिखा था ये डिवेंचर परपेक्चुअल है, परपेक्चुअल का मतलब कब वापस होंगे हमें भी क्या पता, यानी कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए भी हो सकता है कि ये पैसे डिवेंचर रिडीम ही ना हो, तो जब परपेक्चुअल डिवेंचर होते हैं उस केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है, तो ये मैंने यहां पर वैसे लिख ही दिया है। देखो, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इन दैट केस एंटिटी नीड्स टू कंप्यूट द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, और जो फेयर वैल्यू होगी ऑफ कोर्स वही हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन होगी। तो जब परपेक्चुअल डिवेंचर होंगे उसमें आप परपेक्चुअल, देखो परपेक्चुअल में मैं टेबल नहीं बना सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मुझे क्या पता कितने साल का पीरियड बनेगा इस केस में, तो जब परपेक्चुअल होते हैं तो उस केस में तरीका ये है, ईयरली, ये आपने SFM या अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, ईयरली कैश फ्लोस डिवाइडेड बाई मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी ईयरली कैश फ्लोस हैं उनको तुम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा, इस केस में 80,000 आपके 10 लाख के डिवेंचर हैं, 8% कूपन रेट है, तो 80,000 तो आपका आउटफ्लो है, इज इट क्लियर, लेकिन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसका मतलब फेयर वैल्यू 8 लाख की मानी जाएगी और जो टोटल प्रोसीड्स 10 लाख के हैं उस 10 लाख में से 8 लाख आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन है और 2 लाख इक्विटी पोर्शन है। एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है और ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हाल ही में ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कल भी क्लास में लूंगा और उसमें हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और हो सकता है 99% अब हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर के फिनिशिंग स्टेज पर आ गए हैं, लेकिन आज का ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं।